नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत और कतार के बीच में हो रही पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है ज़ाइर अल बहार। तो ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कतार एज अ कंट्री भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडीज है जहां पर आपको मेरे सभी वीडियोस के अपडेट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है इन मेरे लेक्चर्स का तो फिर आपको इस टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले ये करने को मिलेगा। 1 दिसंबर 2019 से मैं सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहा हूं। इस सीरीज में आपके साथ मैं करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक दोनों के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जिन्होंने अभी तक यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं दिया है उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि थ्योरी पढ़ने के साथ साथ, करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाए, तब तक आपकी जो पढ़ाई है वो आपको काम नहीं आएगी एग्जाम के दिन पर। तो अगर आपको इस सीरीज को ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के नीचे आ रहे ब्लू कलर के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। डॉक्टर महिपाल्स वीडियोज आपको वहां पर लिखे हुए मिलेंगे, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेटेस्ट न्यूज ये है कि भारत और कतार ने, कतार की नेवी और भारत की नेवी ने एक बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी है और इसका नाम है ज़ाइर अल बहार, जिसे कतारी भाषा में ज़ाइर अल बहार कहते हैं अरबी भाषा में, और इसे अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो ये कहलाएगा रोर ऑफ द सी, तो समुद्र की दहाड़। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है, दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब है कि अगर कल को भारत और कतार की नेवीज को किसी ऑपरेशन में साथ में जाना पड़े तो उनके बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए और यही सामंजस्य बिठाने का तरीका होता है बाइलैटरल एक्सरसाइजेस। तो इस एक्सरसाइज का फोकस किस पर होगा, सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ, मैरीटाइम पायरेसी के खिलाफ और मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो दोस्तों, कतार कहां पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए मैप में। गल्फ के सारे कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, उनकी लोकेशंस डायरेक्टली पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। तो अगर हम भारत से पश्चिम की ओर चलते हैं तो पश्चिम में आता है अरेबियन पेनिनसुला, तो ये है पूरा अरेबियन पेनिनसुला और ये है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, और इसी पर्शियन गल्फ के बीचों बीच स्थित है ये एक पेनिनसुला जो अरेबियन पेनिनसुला से जट आउट कर रहा है, उससे बाहर निकला हुआ है, और ये है कतार देश। तो कतार मौजूद है सऊदी अरेबिया से लगता हुआ, दक्षिणी बाउंड्री इसकी सऊदी अरेबिया से लगती हुई है, और उससे अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखें तो बहरीन स्थित है। हालांकि डायरेक्टली बॉर्डर नहीं है, बीच में समुद्र है, बट स्टिल बहरीन इज अ क्लोज नेबर। तो ये है कतार, कैपिटल है इसका दोहा, और कतार की आबादी ज़्यादा नहीं है, 26 लाख की आबादी है कतार देश की, जिसमें से 90% आबादी तो दोहा शहर में यानी कैपिटल और उसके आसपास के एरियाज में रहती है। तो मेनली एक रेगिस्तानी देश है, दक्षिणी हिस्से में तो काफ़ी सैंड ड्यून्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा आबादी भी नहीं है, मोस्टली पॉपुलेशन इस बेल्ट में स्थित है। और कतार की खास बात यह है कि क्योंकि इसकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है यानी इसका जो समुद्री इलाका है उसमें बहुत बड़े गैस और ऑयल के रिजर्व्स मिलते हैं, तो इसीलिए कतार एक बहुत ही अमीर देश है, इट्स अ वेरी रिच कंट्री। दुनिया में जीडीपी पर कैपिटा अगर आप देखें तो उसमें कतार नंबर 1 पर आता है। अगर पर्शियन गल्फ में देखें, पर्शियन गल्फ में उत्तर की ओर जाएंगे तो हम ये आ जाता है ईरान। तो ईरान हालांकि एक शिया मेजॉरिटी देश है और वहां की गवर्नमेंट भी पूरी तरह से प्रो शिया है, लेकिन फिर भी कतार के ईरान के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहते हैं, और वैसे गल्फ कंट्रीज के साथ, सभी के साथ कतार के हिस्टोरिकली अच्छे टर्म्स रहे हैं। लेकिन अभी 2017 में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी सऊदी अरेबिया, यूएई और इन देशों के बीच में, कतार बेसिकली सारे गल्फ कंट्रीज और कतार के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिन पर एक अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई अभी मैप में वही यहाँ पर मेंशन है। कतार का लैंड एरिया ज़्यादा नहीं है, केवल 11,500 स्क्वायर किलोमीटर है। इनफैक्ट आपको एक रफ आइडिया दूँ तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 11,500 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, लेकिन कतार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी रिजर्व्स। आबादी लगभग 26 लाख, जिनमें से 75% तो केवल एक्सपैट्रियाट्स हैं, यानी कि 25% आबादी कतारी है, लोकल है, बाकी 75% लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर दूसरे देशों से काम करने के लिए आए हैं, और इनमें भी सबसे बड़ा ग्रुप है भारत का। लगभग 7 लाख भारतीय कतार में रहते हैं, 7 लाख, यानी 26 लाख में से 7 लाख तो वहां पर भारतीय हैं। अरेबिक ऑफिशियल लैंग्वेज है, करेंसी का नाम है रियाल। तो ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये कब ऑर्गेनाइज करी जा रही है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये एक्सरसाइज चल रही है, 5 दिवसीय एक्सरसाइज है, 18 से 23 नवंबर, लोकेशन है कतार। तो फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज हो रही है कतार में, पहली बार एक्सरसाइज हो रही है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भारत में हो, वी डोंट नो। तो इसमें दो फेज हैं, पहला चरण होगा हार्बर में, यानी पहला चरण एक तरह से समुद्र में नहीं है, हार्बर एरिया में है।
जो उनका मिलिट्री स्टेशन है, नेवी का स्टेशन है, वहीं पर होगा। इसमें सेमिनार्स होंगे, प्रोफेशनल इंटरेक्शन है, ऑफिशियल विजिट्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, सोशल कल्चरल इवेंट्स, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फिर जो दूसरा फेज है वो एक्चुअल वॉर एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें टैक्टिकल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएंगी, जिसमें इमिटेट किया जाएगा कि कोई दुश्मन आ रहा है, दुश्मन जहाज को तहस उसको डिस्ट्रॉय करना है या फिर उससे बचाव करना है। तो इसमें सरफेस एक्शन है, एयर डिफेंस, मैरीटाइम सर्वेलेंस और इंटरडिक्शन ऑपरेशन। ये शब्द जो था इंटरडिक्शन, ये कई जगह आप न्यूज़ में इसे पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? इंटरडिक्शन का मतलब होता है किसी एनिमी कमोडिटी या फिर एनिमी जहाज या फिर एनिमी को रोकना, प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ अ एनिमी फोर्स और एनिमी पर्सन। इसको कहते हैं इंटरडिक्शन, यानी किसी को रोक लेना। तो इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात, भारत ने इस एक्सरसाइज को, भारत की नेवी ने इस एक्सरसाइज को काफी इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेल्थ ब्रिगेड, जो भारत का फ्लैगशिप फ्रिगेट है आईएनएस त्रिकंड, वो भेजा गया है, और हमारा जो सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट है नेवी का पोजाइडन P8I, इसे भेजा गया है। अभी बताता हूं दोनों के बारे में डिटेल में। भारत की एनर्जी डिपेंडेंसी कतार पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और अभी हाल ही में जून और जुलाई 2019 के महीनों में पर्शियन गल्फ में काफी टकराव हुआ था ईरान और यूएसए के बीच में, जिसके कारण दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे कुछ हफ्तों के लिए, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया के लिए खतरा है और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हम कतार पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो पर्शियन गल्फ में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, जिसके चांसेस हमेशा बने रहते हैं, तो वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और ऐसे में भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी लाइंस को मेंटेन रखना, यानी कि भारत में आने वाले तेल और गैस के जहाजों की सुरक्षा करना प्रथम प्रायोरिटी होगी, और उसमें कतार हमारा साथ देता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो ये जून जुलाई में हुए उस पर्शियन गल्फ कॉन्फ्लिक्ट की एक फोटो है कि किस तरह से अमेरिकन ड्रोन्स ने पर्शियन जहाजों पर बम गिराए थे। तो भारत ने यहां पर भेजा है INS त्रिकंड। त्रिकंड जो होता है, एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब ये है कि ये वो जहाज है जो एक्चुअली में जाके दूसरे एनिमी जहाजों को डिस्ट्रॉय करता है, ओके? और ये मोस्टली सबमरीन्स के साथ डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि सबमरीन्स अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं उनके साथ भी इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये फोटो इस एक्सरसाइज की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर INS त्रिकंड का इंसिग्निया आपको यहाँ पर नजर आएगा, और ये भारत और कतार की जो नेवी के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हैं इस एक्सरसाइज की शुरुआत में। तो त्रिकंड भारत की फ्रंटलाइन फ्रिगेट का हिस्सा है, इसमें कई तरह के हथियार हैं, और ये भारत की जो वेस्टर्न फ्लीट है, नेवी की जो वेस्टर्न नेवल कमांड है, वहां पर बेस्ड है। मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है वेस्टर्न नेवल कमांड का। दूसरा है इंपॉर्टेंट P8I पोजाइडन एयरक्राफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, हमने इसे US से खरीदा था। ये एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, क्योंकि पहली बात, ये लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है, बहुत लंबी दूरी का सफर ये तय कर सकता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ये उपयोग लिया जा सकता है, यानी हवाई जहाज से सबमरीन्स में पानी के नीचे आप वार कर सकते हैं इससे। एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनिसेंस, ये सभी इस एयरक्राफ्ट से किया जा सकता है, यानी कि आप जासूसी कर सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं। रिकॉनिसेंस भी यही होता है कि एनिमी के खिलाफ इंटेलिजेंस गैदर करना, तो ये सारे काम इस एयरक्राफ्ट से बखूबी किए जा सकते हैं। तो P8I जो है, ये अमेरिका की नेवी भी इस्तेमाल करती है, वहां पर उसे पोजाइडन P8A कहा जाता है, और बोइंग कंपनी ने इसे बनाया था US नेवी के लिए। भारत इसका पहला इंटरनेशनल बायर है, यानी US के अलावा हम पहले बायर थे जिसने 2009 में ये डील करी थी बोइंग के साथ। तो जहां तक इंटेलिजेंस की बात है, तो इंटेलिजेंस गैदर करने में ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज है। दूसरी ओर कतार की नेवी भी अपने फ्लैगशिप जहाजों को इस एक्सरसाइज में उतार रही है। एंटी शिप मिसाइल इक्विप बर्जन क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट, तो ये भी एक तरह का फ्रिगेट ही आप कह सकते हैं। ये फास्ट अटैक क्राफ्ट है जो काफी तेजी से मूव करता है, क्योंकि साइज में थोड़ा सा छोटा होता है ये फ्रिगेट से। और दूसरा, ये अपने रफेल एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो रफेल केवल भारत ही नहीं, कतार की एयरफोर्स के पास भी है। तो आप देखेंगे कि काफी यूनिक बात है कि नेवी के एक्सरसाइजेस में केवल जहाज ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट्स भी इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। आपके लिए यहां पर एक सवाल है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो करंट मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है या अभी अभी हुई है, उसका नाम क्या है? आप मुझे नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। तो अब मैं आता हूं भारत और कतार के रिलेशंस पर। भारत और कतार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे 1973 में, और पहली बार हमारे किसी प्रधानमंत्री ने कतार को विजिट किया था 2008 में, जब श्री मनमोहन सिंह जी वहां पर गए थे और उन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, जो उस समय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट माना गया था, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे डिफेंस एग्रीमेंट उस समय इतने नहीं थे। तो कतार के साथ हमने एक डिफेंस एग्रीमेंट किया, जिसमें हमने इंटेलिजेंस शेयर करने पर बातचीत करी, ये भी कहा कि अगर कभी जरूरत हुई तो हम एक दूसरे के इक्विपमेंट या बेस को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट 2008 में ही साइन हो गया था, और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोहा गए थे 2 दिन की विजिट के लिए, और उन्होंने इस विजिट में जो फोकस रखा था वो था हाइड्रोकार्बन सेक्टर, क्योंकि अभी तक 2008 के बाद कतार में और भी बड़े गैस रिजर्व्स मिले थे। तो 2016 आते आते
कतार के पास बहुत बड़ा गैस का भंडार था और इसीलिए भारत को भी इस हाइड्रोकार्बन एनर्जी सेक्टर में अपना इन्फ्लुएंस चाहिए, हमें भी कतार से काफ़ी बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स की ज़रूरत रहती है, तो इसीलिए मेन फोकस इस विजिट का ये था। कतार ने हमारे लिए गैस के प्राइसेस भी कम किए थे उनके विजिट के बाद में, काफ़ी फ़र्क पड़ा था, 30-40% प्राइस रिडक्शन कर दिया था कतार ने। तो ये उस वक्त की फ़ोटो है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कतार के अमीर के साथ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कतार के गैस रिजर्व की। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस कतार की इस वक्त क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स गैस रिजर्व्स। गैस जो है उसे हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसे कंप्रेस करके लिक्विफाई यानी एक लिक्विड का फॉर्म दे दिया जाता है ताकि उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट करा जा सके, जगह कम घेरती है गैस से लिक्विड, तो इसीलिए उसे लिक्विफाई किया जाता है और ये कतार का सबसे बड़ा इस वक्त एक्सपोर्ट है। तो इसमें जो नेचुरल गैस कूल करके सेफली ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेजी जाती है वो आती है भारत, यहाँ पर उसे फिर से गैसीफाई किया जाता है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उसी प्रोडक्ट को हमारे घर पर एलपीजी, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हमारे घर पर एलपीजी के सिलेंडर्स के फॉर्म में आता है जिससे हम अपना खाना बनाते हैं। तो कतार में दुनिया का 14% नेचुरल गैस रिजर्व है और अगर रिजर्व की बात करें रैंकिंग्स में तो थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है दुनिया में रशिया और ईरान के बाद में, तो तीसरा सबसे बड़ा गैस का भंडार और 14% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। और हमारे लिए फायदे की बात यह है कि कतार डिस्टेंस वाइज हमसे बहुत नज़दीक है, रशिया से गैस लाना हमारे लिए एक लॉजिस्टिकल चैलेंज है लेकिन कतार से काफ़ी आसानी से गैस भारत तक आ सकती है, केवल कुछ हज़ार किलोमीटर का रास्ता है समुद्र के रास्ते अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ के थ्रू। तो कतार दुनिया में एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, रिजर्व चाहे थर्ड लार्जेस्ट हो लेकिन एक्सपोर्टर सबसे बड़ा है क्योंकि आबादी बहुत कम है, कतार की खुद की जो जरूरत है वो काफ़ी कम है। हालांकि अभी कुछ महीने में 2019 में अप्रैल के महीने में ऑस्ट्रेलिया ने ओवरटेक कर लिया था कतार को कुछ एक या दो महीने के लिए, बट फिर से कतार नंबर वन पे आ चुका है। तो अभी ये भी जानकारी आप ध्यान में रखना कि ऑस्ट्रेलिया भी एलएनजी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है, तो कतार और ऑस्ट्रेलिया नंबर वन और टू एक्सचेंज करते रहते हैं। ओके, कतार के मेन एक्सपोर्ट मार्केट्स कौन से हैं, साउथ कोरिया, इंडिया, जापान, चाइना और यूरोप में इटली, यूके और स्पेन। अच्छा, साउथ कोरिया और जापान बहुत ठंडे देश हैं तो वहाँ पर हीटिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो हीटिंग में वहाँ पे घरों को गर्म रखने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है क्योंकि देखो गैस कम पोल्यूशन करती है कोयले या फिर अन्य सोर्सेज के मुकाबले। और भारत और एशिया के दूसरे मार्केट जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर इसका क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर कुकिंग गैस की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कतार के जो एलएनजी एक्सपोर्ट्स हैं वो 104.8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स थे 2018 में। ओके, और ऑस्ट्रेलिया भी 90s में है, बीच में कुछ एक महीना ऐसा आया था जब ऑस्ट्रेलिया ने ओवरटेक भी कर लिया था कतार को। कतार की जो जीडीपी है उसका 60% नेचुरल गैस सेक्टर से आता है, यानी कंट्री की ऑलमोस्ट पूरी जीडीपी 60% जो है इसी सेक्टर से आती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस से, तो इसलिए ये सेक्टर कतार की जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सेक्टर कतार को इतना अमीर देश बनाता है। और जो मेन गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो सरकारी कंपनी है वहाँ की जिसका नाम है कतर गैस और ये एलएनजी प्रोड्यूस करती है, और जो सबसे बड़ा ऑफशोर एरिया है जहाँ से ये गैस मिलती है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है नॉर्थ फील्ड। वैसे पूछने की संभावना ना के बराबर है बट फिर भी ध्यान रखो ये कतर आइलैंड है और बस इससे थोड़ी सी ऊपर आप देखोगे तो ये जो पिंक कलर में एरिया आपको नजर आ रहा है ये पूरा एक नेचुरल गैस का फील्ड है और कुछ इसमें ऑयल एंड गैस दोनों मिलते हैं, कुछ ऐसे भी फील्ड्स हैं। यहाँ पर ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये मैरीटाइम बॉर्डर है कतार और ईरान का, इसके उत्तर में ईरान का फील्ड है और इसके नीचे में कतार। तो हालांकि दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, रिलेशंस आर गुड, इसीलिए दिक्कत नहीं आती है, दोनों आराम से वहां पर जो गैस का एक्सप्लोरेशन है या फिर जो गैस बाहर निकालने का काम है वो पीसफुली हो रहा है, कोई तनाव नहीं रहता है मोस्टली। तो साउथ पार्ट्स ईरान का फील्ड है और नॉर्थ फील्ड नाम दे रखा है कतार ने, है बेसिकली ये एक ही फील्ड है बस इंटरनेशनल बाउंड्री इसके बीचों बीच से गुजर रही है। तो कुछ इस तरह से गैस निकाली जाती है, देखिए ये एक रिग है समुद्र के बीचों बीच, यहाँ से ड्रिलिंग होती है समुद्र के तल के नीचे जहाँ से गैस बाहर निकाली जाती है और इस तरह के जहाज़ों पे उसे भेजा जाता है ऑनशोर जहाँ पर उसे लिक्विफाई किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, फिर से उसे आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये एक जहाज है, आपको इस तरह के जहाज देखने को मिलेंगे, इनमें गैस ट्रांसपोर्ट होती है, एलएनजी ट्रांसपोर्ट होती है और इसी एलएनजी के एक्सपोर्ट ने कतार को दुनिया का सबसे अमीर देश बना रखा है। अगर जीडीपी पर कैपिटा की हम बात करते हैं पीपीपी टर्म्स में तो वो है $130,000, ठीक है, तो कतार लग्जमबर्ग और सिंगापुर से भी ऊपर है इस मामले में अगर आप केवल जीडीपी पर कैपिटा की बात करते हैं, क्योंकि आबादी बहुत कम है, 26 लाख की आबादी है केवल। तो कतार का फ्यूचर में प्लान है कि एलएनजी कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए क्योंकि इनके पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, तो 2024 तक इनका जो टारगेट है वो है 110 मिलियन टन्स पर ईयर कैपेसिटी लेके जानी है, जो अभी अराउंड 77 मिलियन टन्स पर ईयर पर स्थित है, तो ऑलमोस्ट 25% कैपेसिटी को ये बढ़ा देंगे। और मैंने आपको बताया कि भारत और कतार के बीच में रिश्तों की इंपॉर्टेंस क्या है, कि पहली बात
भारत के बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं, कई अप्रवासी भारतीय हैं, 7 लाख ऑलमोस्ट 1/4 आबादी कतार की भारतीयों से बनी हुई है। इनफैक्ट एक बहुत हैरान, आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, कतार में अरबी भाषा के उतने अखबार नहीं छपते जितने मलयालम भाषा के छपते हैं, क्योंकि मलयाली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मोस्ट ऑफ दी एक्सपैट्रिएट्स हैं वो केरला से बिलोंग करते हैं, तो कई मलयाली अखबार वहाँ पर प्रिंट होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी अपनी विजिट पर इन वर्कर्स से मिलने गए थे जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ मोदी जी बैठे हैं बीच में, वर्कर्स के बीच में एक प्लांट है वहाँ पर। और भारत के लिए ये कतार की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक गैस कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे सरकार भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला रही है, उसके तहत सिलेंडर बांटे जा रहे हैं उन लोगों को जिनके पास अभी तक ये सुविधा नहीं थी, तो 2016 के बाद से हमारी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। और भारत की जो टोटल गैस डिमांड है उसमें से 40% कौन मीट करता है? कतार। तो कतार से हमारे 40% गैस इंपोर्ट्स आते हैं। भारत में गैस के इतने बड़े फील्ड्स अभी तक नहीं है जो हैं वो हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी ओर हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ती ही जा रही है गैस की, तो ये जो एलपीजी गैस जिसे हम कहते हैं ये हमारे घरों में पहुंचती है, ये वही एलएनजी है जो भारत आकर फिर से उसे गैसीफाई किया जाता है प्लांट्स में, और अल्टीमेटली उससे कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनमें से एक ब्यूटेन वाला ये प्रोडक्ट भी है जिसे हम एलपीजी कहते हैं आमतौर पर, तो ये हमारे घर में आकर हमारा चूल्हा जलाती है। तो इसीलिए कतार भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के घरों में जो चूल्हे जल रहे हैं वो कतार पर डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक, तो इसीलिए कतार से अच्छे रिलेशंस रखना डिफेंस में, इकोनॉमी में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उज्बेकिस्तान के साथ जो जॉइंट एक्सरसाइज है उसका नाम जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।